बाद में तो हाँ देना है। अरे स्टार्ट महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों है कोई पता है? अच्छा कैमरा वगैरह तो सब चेक कर लिया था ना? दक्ष नहीं है क्या आज? सौम्या मैं मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रही हूं ना, कैमरा वगैरह ऑन है ना, एक बार बता देना मुझे। बताओ कहाँ पर है? अभी न्यूज में है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी जो न्यूज में है वो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं काफी बार बता चुकी हूँ। अब देखो इसमें हुआ क्या है। फॉरेस्ट फायर होती है ना, बेसिकली फॉरेस्ट फायर लगती है कहाँ पर है? ज्यादातर खुद से ही लगती है, कोई लगाएगा तो नहीं। कहाँ पे लगती है? अरे नहीं मतलब कौन से एरियाज में लगती है, कौन से कॉन्टिनेंट्स वगैरह में लगती है? हाँ ऑस्ट्रेलिया, हाँ अमेरिका में ये ज्यादा लगती है। ठीक है, हर साल का है, हर साल फॉरेस्ट फायर लगती है। रीजन क्या होता है फॉरेस्ट फायर का? वहां की गर्म हवा को क्या बोलते हैं क्या? हाँ फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे अभी 6 दिन से क्या हो रहा है, आग लगी हुई है जंगल। अब फॉरेस्ट फायर ज्यादातर कहाँ लगती है? ऐसे तो किसी भी जंगल में लग सकती है, पर मोस्ट प्रोमिनेंट है वो यूएसए वाले। ठीक है, तो वहां पे फिर हेलीकॉप्टर से उनपे क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, स्प्रिंकल करना पड़ता है पानी। ठीक है, अभी महादेव ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे पड़ती है? गोवा में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे पड़ती है? गोवा। अब इसको बुझाने के लिए काम कौन करता है? महादेही, महादेही, DEI, देव नहीं है महादेही है। ठीक है, अब जो भारतीय नौसेना है मतलब नेवी है, ठीक है, क्योंकि गोवा की तो कोस्ट लाइन भी है, नेवी है ये लोग, और एयरफोर्स है ये लोग, क्या करते हैं? क्योंकि आप है ना ऐसा फायर ब्रिगेड बुलवा के और जंगलों की आग नहीं मिटा सकते। क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे गोवा में, तो गोवा में पड़ता है पूरा वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, बहुत सारे घने पेड़ पौधे मिलेंगे। तो कैसे, कौन इसमें? IAF प्लस इंडियन नेवी। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड है, पर आपको अल्टीमेटली इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा ना। आपको हेलीकॉप्टर्स के थ्रू क्या करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, उन पे पानी डालना पड़ेगा, तब जाके आग बुझेगी। ठीक है, पर इससे आग बुझ नहीं रही है, अभी भी लगी हुई है। ठीक है ना, सारे के सारे जितने भी हमने जितना भी ट्राई किया ना वो सारा वेस्ट गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि महादेव पड़ती कहाँ है? ड्राई वुड, सूखी। अच्छा मैंने एक चीज आपसे पूछी थी, लकड़ी कंडक्टर है या इंसुलेटर? सच में इंसुलेटर सोच लो, इंसुलेटर है। अगर मैं ड्राई वुड की बात करूं तो वो क्या है? इंसुलेटर। और अगर लकड़ी गीली हो तो करंट नहीं आता उसमें, तो फिर वो क्या है? हाँ तो है ना, इंसुलेटर नहीं कंडक्टर। ठीक है, तो लकड़ी दोनों तरह से काम करेगी। अगर लकड़ी गीली है ना तो उसमें से करंट पास होता है, और अगर लकड़ी सूखी है तो करंट पास नहीं। ठीक है, तो ड्राई वुड्स मतलब सूखे पेड़ जहां पे मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स वाले, और ऊपर से हवाओं में क्या होता है, आयन्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लो। यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे फ्लोरा और फौना मिल जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और वेस्टर्न काव्या पता है आप 1 घंटा लेट हो। हाँ पूछो इनसे, कितना कुछ पढ़ लिया हमने, बस खत्म ही होने वाली है।
वेस्टर्न घाट्स। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ, अभी स्टार्ट ही किए, प्रैंक के मूड में हम। हाँ, बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी, वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, फ्लोरा फोना मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी से मुझे याद आया, आपको सर्च करनी चीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड में है ना 5 या 6 आपको मैक्स टू मैक्स 7 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको सर्च करना है बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है और ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आपको सर्च करना है। नहीं, बताना नहीं है, मैंने बताया ना क्लास, इनको भी मेहनत करनी को। हाँ, अब इसके बारे में देख लो, ये बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ में ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के साथ साथ में ये इंटरनेशनल बर्ड एरिया भी है, ठीक है। और हमने पढ़ा था ना सुंदरबन फेस्टिवल कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल बर्ड सेंसस भी पढ़ा था, याद आया, इंटरनेशनल बर्ड सेंसस भी हमने पढ़ा था। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, क्या? ये तो याद है आपको, ठीक है। और 1972 में ये बनाई गई थी, ठीक है, 1972 में ये बनाया गया था। एक बार फिर से देख लो, क्या है, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि वहां पे वेस्ट, पहले तो पड़ता था, तो वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में पड़ता है, गोवा में पड़ता है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, 6-7 दिन से लगी हुई है, और कौन बुझाने की ट्राई कर रहा है, आरपीएफ है, इंडियन नेवी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सब मिलकर, पर बुझ नहीं रही, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पड़ता है, तो वेस्टर्न घाट्स में, और वेस्टर्न घाट्स में थिक फॉरेस्ट कवर है, बहुत सारे घने जंगल मिलेंगे आप, ठीक है। और वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। फिर क्वेश्चन दिया है मैंने कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 6 या 7 आपको मिल जाएंगे, वो आपको बताना है। और होता क्या है वो भी सर्च कर लेना, मतलब यहाँ पे फ्लोरा फौना बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल बर्ड एरिया है ये, कौन सा, ये जो हमने पीछे पढ़ा है ना महादेव, ये इंटरनेशनल बर्ड एरिया है। कब बना था, तो 1972 में एक और चीज आई थी, क्या आई थी 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये आया था 1972, इसी के अंडर इसको बनाया गया। अब फिर से है H3N2 वायरस न्यूज में काफी चल रहा है, बहुत सारे वायरस चल रहे हैं न्यूज में, MVD है, और क्या है, LSD था, उसके अलावा क्या था, इबोला है, इबोला वायरल डिजीज, EBD है, वायरल डिजीजेस। और आपको वायरस के बारे में पता होगा, वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट आप कर पा रहे होंगे, कर पाते हो कि नहीं कर पाते, क्या होते हैं वायरस, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है ना खुद सरवाइव कर सकता है, मतलब अगर, कहने का मतलब यह है कि वायरस अगर स्टेबल पे रख पड़ा हुआ है ना, तो वो एज ए, मतलब एक तरह से एक्टिवेटेड नहीं है, उसको एक बॉडी चाहिए, चाहे वो बॉडी और लिविंग बॉडी चाहिए, ठीक है, लिविंग बॉडी चाहे जानवर की हो, प्लांट की हो, इंसानों की हो, तब जाके वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, वो होते हैं वायरस। बैक्टीरिया खुद से जी सकते हैं, अगर बैक्टीरिया स्टेबल पे पड़ा हुआ है ना, तो खुद से जी सकता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए वायरस की क्या बनती है, वैक्सीन बनती है, पर हम बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक्स खा सकते हैं, गोलियां होती है उस पर, वायरस के लिए क्या होती है, वैक्सीन होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं, अपने आरएनए में चेंज करते रहते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं वो,
आरएनए में, उनको पता लग गया ना कि भाई अब हमारी क्या बन गई है, वैक्सीन बन गई है, तो क्या करेंगे अपने आरएनए में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तभी आया था ना कोविड का वेरिएंट है, बहुत सारे वेरिएंट आए थे वैसे। तो अभी एक फिर से डिजीज फैल रही है, उसका क्या नाम है, इबोला तो फैल ही रही है। एक ईवीडी है, एक एमवीडी है, एक एलएसडी है, और कौन कौन सी है, अमीबा वाली है, एमपॉक्स है, जोम्बी वायरस है, जोम्बी वायरस है, और कौन सी है, हाँ मैड काउ डिजीज ना, वो ब्रेन ईटिंग अमीबा, यही है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्रेन ईटिंग, दिमाग में घुस जाता है ये। जैसे पत्ता गोभी होती है ना, हम लोग चाउमीन वगैरह सब खाते हैं, बर्गर सब खाते हैं, वो जो पत्ता गोभी कच्ची वाली डालते हैं ना, उसमें उसी के कलर के कीड़े होते हैं, ठीक है। वैसे ही आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, और वो कीड़े क्या करते हैं, हमारे सीधा ब्रेन में चले जाते हैं, और फिर वो मरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको ब्रेन में कोई दवाई दे करके मार दिया जाए, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करते रहता है ब्रेन में जाकर। और उससे क्या होगा, आपको सीजर्स आएंगे, सीजर्स का मतलब समझते हो, दौरे पड़ने, ठीक है, दौरे वगैरह पड़ेंगे। एक तो ऐसा केस था कि केचुआ कान में से घुस गया था, एक फीमेल ही थी, कान में से घुस गया था, और धीरे धीरे वो क्या है ना, रिप्रोड्यूस, क्योंकि केचुए जो होते हैं ना बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हुआ क्या, लास्ट में ब्रेन में चला गया, और जैसे उसका जो पति था ना, वो क्या करता था, हमारे घर के पास की बात, वो पीता था और पी के मारपीट करता था, तो उसने बाल पकड़ के एक दिन खींचे उसके, तो पूरे के पूरे बाल हाथ में आ गए, उसमें से केचुए निकल रहे उसकी पूरी खोपड़ी में से। तो ऐसे भी सेम थे, हाँ मैंने देखी थी, देखी, हाँ हाँ ठीक है दक्ष, 1972, हाँ ठीक है। तो कीड़ों का ध्यान रखा करो, है ना, देख कर खाया करो। चलो ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा हो गया, अब आ जाओ H3N2 पे। मजाक नहीं है, बिल्कुल सच बात है, सत्य घटना पे आधारित है, क्राइम पेट्रोल, ठीक है। अब आ जाओ H3N2, H3N2 वायरस जो है ना, ये सारे जितने भी वायरस है ना, कहाँ से उठे, या तो उठेंगे अफ्रीका से, है ना, और अफ्रीका में भी जो सेंट्रल अफ्रीका वाला जो एरिया है ना, वहां से, जैसे कॉन्गो है, DRC है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये क्या है, ये बहुत भूखे देश है, और भूखे देश होते तो कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, बीमारियां वगैरह होंगी, नहाते धोते ये है नहीं, है ना, इनका मतलब बहुत अजीब तरीके से रहते हैं। तो सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, ठीक है, बहुत गंदी हालत है इन देश, और या फिर चाइना, वो अलग बात है, चाइना पसंद है ऐसे कुछ भी खाना, वो कुछ भी खा लेता है, जैसे कि बैट खा लेता है, चमगादड़, चूहे भी खाते हैं वो लोग, ठीक है, तो ये कच्चे खाते हैं, मर गया वो तो बेचारा। H3N2, अभी जो H3N2 है ना, ये कहाँ पे फैल रहा है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा है, जैसे हमको वायरल होता है ना, हाँ, पर ये हो कैसे रहा है, जैसे वायरल डिजीज होती है वो 3 दिन के लिए चलती है, फिर हम सही हो जाते हैं, ये चल रहा है 10 10 दिन के, उससे भी ज्यादा, 10 15 दिन। अभी आप में से किसी को होगा तो पता भी नहीं चलेगा, वही नॉर्मल वायरल डिजीजेस होंगे, पर वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलेगा, और इससे डेथ भी हो रही है, ठीक है, डेथ मतलब उनकी जो इम्यूनिटी कम है उनकी डेथ हो रही, ठीक है। और ज्यादातर इंडिया में कहाँ कहाँ पर हो रही है, साउथ वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है ये, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, और कर्नाटका वाला रीजन हो गया, वहां पे ज्यादा डेथ हो रही है इससे, H3N2 वायरस से, ठीक है। वायरल डिजीज है, यहाँ पे लिख लो इसके बारे में, क्या डिफरेंशिएट करता है इसको वायरल डिजीज से, तो ये एक्सटेंड करता है 10 डेज, नॉर्मल वायरल डिजीज होती है, वायरल होते हैं तो वो 3 दिन के लिए रहता है ना, और ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड करता है, फीवर होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, सर दुखता है, नाक में इरिटेशन होती है, और क्या क्या होता है, बॉडी दुखती है, ठीक है, वो फिर बुखार आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम भी इसका, ये नाम ध्यान रखना, हांगकांग की, बोला था ना ये चाइना वाला ही है पूरे के पूरे, हांगकांग मतलब उधर ही पड़ता है, ठीक है, चाइना उसको भी हड़पने में है, हांगकांग है, ताइवान है, हांगकांग में है ना डिज्नीलैंड, वही वाला,
वो ऑलमोस्ट उसी में ही है, ठीक है, उनका कुछ अलग ही सिस्टम चलता है हांगकांग वालों का, उसको एडमिनिस्टर चाइना करता है, पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह साइन है उनके कि हांगकांग का अपना अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, चाइना का मानना है, इस तरीके से है उनका चीज अलग हांगकांग का। और फिर यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तब ताइवान से भी लड़ा था चाइना, तो ये सब चलते रहता है इनका, ठीक है। और ये जो वायरस है ना, ये होता है ह्यूमंस को होता है, ह्यूमंस को होता है, बोर जानते हो बोर क्या होते हैं, पिग को होता है, ठीक है, स्पेशली क्योंकि जो अभी, अच्छा एक और चीज, स्वाइन फ्लू का नाम सुना है ना, स्वाइन फ्लू से डेथ काफी होती थी स्टार्टिंग में, वो स्वाइन का मतलब होता है सुअर, ठीक है। इसको कौन सी कंट्रीज में, आई थिंक है ना ये यूरोपियन कंट्रीज में ये फैला था पहले, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, ठीक है, और इसको पिग फ्लू भी बोलते हैं ज्यादातर, ये इसमें इनमें सुअर वगैरह में फैलता है, और फिर इसको भी तो खाते हैं लोग, वाइल्ड बोर, हाँ खाते हैं इसे, हाँ उसकी वजह से होता है, नॉर्थ ईस्ट में तो काफी खाते हैं, है ना। चलो ठीक है, पिग्स वगैरह इनमें होता है ये, और स्प्रेड कैसे करेगा ये बताओ, कैसे करता है स्प्रेड वायरस, कोई भी इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसके जो बॉडीली फ्लूइड है ना, जैसे कि आपने छींका और आपको ड्रॉपलेट्स गिर गए, आपने टच कर लिया, ठीक है, ये होता ही है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स गिरे और टच कर लिया आपने, तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे, कोई भी जो बॉडीली फ्लूइड होंगे ना उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद में आ जाओ TROPX-23, थर्ड है ना ये, TROPX-23, क्या हो सकता है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया की मैरिटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, मैरिटाइम एक्सरसाइज है, हर 2 साल में एक बार होती है, एनुअल नहीं है, बाइनियल है, ठीक है, 2 साल में एक बार होती है, और इसमें कोई बाहर की कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे हमने सी विजिल पढ़ा था ना, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सी विजिल, आपको पता होगा क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है पता है ना, ठीक है, सी विजिल है, वैसे ही ये मैरिटाइम एक्सरसाइज है, कहाँ पर होती है, IOR में होती है, बताओ IOR क्या है, इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, IOR है इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, ये है IOR, हाँ सौम्या, फ्लूइड कॉन्टेक्ट, IOR रीजन में होती है, ठीक है, मैरिटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया की है, बाहर की कोई कंट्री शामिल नहीं है, क्यों होती है ये एक्सरसाइज बताओ, जैसे सी विजिल होती है ना, किस लिए हुई थी सी विजिल, ताज अटैक हुआ था, अजमल कसाब वाला मुंबई अटैक जो हुए थे ना, टेरर अटैक, तो वो कहाँ से एंटर किए थे, वो कहीं बॉर्डर्स हमारी जो लैंड बाउंड्री है वहां से एंटर नहीं किए थे, वो कहाँ से किया था, मुंबई का जो डॉक यार्ड है ना, मुंबई का जो पोर्ट है ना, मुंबई पोर्ट, वहां से वो लोग एंटर किए थे, तो अब उसके बाद में हमको ये समझ में आया कि इंडिया की मैरिटाइम बाउंड्रीज को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसकी लैंड बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट किया, सी विजिल स्टार्ट किया, और आईओ सॉरी ट्रोपेक्स भी उस लिए ही है, ठीक है, उसके लिए ही है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है इंडियन आर्म फोर्सेस, अब आई थिंक इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इंडियन आर्म फोर्सेस क्या क्या आएंगी इसमें, कौन कौन सी आएंगी इसमें, 4 फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस नहीं, वो अलग होती है, वो 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वो अलग है, और ये इंडियन आर्म फोर्सेस वो कौन सी है, ये है 4, कौन कौन सी, INA,
INA, ठीक है ना, इंडियन नेवी, चलो हटाओ ये, इंडियन आर्मी, उसके बाद में IAF, और उसके बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का मतलब पता है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड्स? नहीं पता, आज जाके सर्च करना कोस्ट गार्ड क्या होता है। अच्छा, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कौन होता है? कल पढ़ा था ना, कल क्वेश्चन था उसमें, नहीं था, होना चाहिए यार। इंडियन आर्म फोर्सेस का कौन सेंट्रल, सॉरी, सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, वो कंट्रोल करते, वो हेड करते। पर अगर हम बात करें कि ये जो होता है ना, क्या बोलेंगे, जैसे कि इसरो है और एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, इनको चेयर करने वाले कौन होते हैं? इनको हेड करने वाले पीएम होते हैं, ठीक है, तो इनके चेयर पर्सन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन आर्म फोर्सेस के? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर होती है। तो आप जब प्रेसिडेंट बनते हो तो अल्टीमेटली क्या बनते हो? सुप्रीम कमांडर। अब इसमें करने क्या वाले हैं, जो हमारे जितने भी ये है ना फ्रिगेट्स हैं, हमारे जो भी चीजें इनमें बनती है ना, फ्रिगेट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, ये सारे क्या करेंगे? शोकेस करेंगे, और उनका वर्किंग भी चेक किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये सारी चीजें की जाएगी कि हम हमारी मैरिटाइम बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लो कि ये IOR क्या है। IOR पड़ता कहाँ पर है? ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ेगा, कौन सी आइलैंड है, और यहाँ पे कौन सी आइलैंड है? ये श्रीलंका है। हाँ, वहां से बता दें, मुझे से बता दें। हाँ, आप चारों में से बताओ, यहाँ पे कौन सी आइलैंड है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उसके बाद में आपको कोस्टल स्टेट्स पता होंगे, 9 कोस्टल स्टेट्स है, उनमें से टोटल अगर हम सी वाली बाउंड्री की बात करें तो कितनी इंडिया की? 7500 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखनी है, हमारी कोस्टल बाउंड्री है। 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री पे है। सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो किसकी है? गुजरात की, गुजरात की। और सबसे कम बाउंड्री किसकी है? गोवा की, ठीक है, गोवा की, ये कम बाउंड्री, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो ब्रांच है ना, ये वाला जो ब्रांच है पूरा पानी वाला, ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं हम, कौन सा है? अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पड़ती है क्या? किधर पड़ती है? सोच लो पहले। बे ऑफ बंगाल, मैंने उस दिन है ना आपको बताया था, ये चीज डायग्राम बना याद आया, पोस्ट वगैरह का। हाँ, पार्क स्ट्रीट यहाँ पड़ती है, ये है पार्क स्ट्रीट, ठीक है, पार्क स्ट्रीट यहाँ पड़ती है, इस साइड में पड़ती है, ठीक है। चलो, वो गल्फ ऑफ मन्नार वाला पार्क भी देखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ। ये हमने देख लिया, ये है पूरा इंडियन ओशियन, जितना भी है इंडियन ओशियन है। ये वाला जो साइड पड़ता है, वेस्टर्न साइड जो पड़ता है, उसे बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, और ये वाला जो साइड पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और नीचे ये जो पानी देख रहे हो ना, नीचे वाला पानी, ये है इंडियन ओशियन, ठीक है, और इसी को हम बोल रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। ये नीचे वाला जितना भी होगा ना, ये सारा है इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है, अब ध्यान रहेगा। अच्छा, माधव नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? माधव नेशनल पार्क बताओ, फोर्थ न्यूज है ना ये? कैसे पता? माधव बोला तो एमपी में पड़ता है ये, ठीक है। एमपी में कहाँ से पड़ता है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एमपी की, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है हमारे, कौन है एनवायरनमेंट मिनिस्टर? कौन? ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर
वो क्या कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? इंटर कॉन्टिनेंटल, हाँ क्या बोल रही थी मैं, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ था अभी किसका, चीता का, कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, वो भी एमपी में ही पड़ता है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ से लाए थे, नामीबिया से लाए थे, 17 सितंबर मोदी जी के बर्थडे बर्थडे आता है उस दिन लेकर आए थे, कहाँ से, नामीबिया से, जो अफ्रीका में पड़ता है, 8 चीता लाए थे, और अभी फिर से 12 चीता लाने की बात है कूनो में, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लाएंगे इस बार। अब देखो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ से 2 टाइगर को रिलोकेट कर रहे, सॉरी यहाँ पे रिलोकेट कर रहे, कहाँ से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये 2 दिन पहले बताया था न्यूज में था ये, हाँ कर्नाटका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 2 टाइगर, ठीक है, टाइगर ला रहे, चीता नहीं, 2 टाइगर को कहाँ पे डाला जाएगा, तो यहाँ पे डाला जाएगा माधव नेशनल पार्क में। क्यों करते हैं ऐसा, ट्रांसलोकेट क्यों करते हैं, हाँ पॉपुलेशन वगैरह कम हो जाती है तो उधर डाल देते हैं। और मध्य प्रदेश में है ना सबसे ज्यादा टाइगर रहते हैं कहाँ पे, अगर हम उसकी बात करें ना पॉपुलेशन की, तो मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है। इनका भी सेंसस होता है ना, कैसे करते होंगे इनका सेंसस, मतलब नहीं कैसे गिनोगे, सब एक जैसे दिखते हैं, नाम तो ऐसे बुलाएंगे कि टाइगर T1 इधर आना बेटा, जिंदा हो के नहीं, टैग टैग लगाते, टाइगर के टैग लगाओगे तुम लगाते एक सेकंड, टाइगर के कान छिदवाओगे है ना उसमें टैग, नहीं वो कैमरा लगे हुए होते हैं सब जगह कि कोई नया बच्चा पैदा हुआ है या कोई टाइगर मर गया, तो इनका क्या करते हैं ये, मतलब कैमरा वगैरह तो लगाते ही रखते हैं, और भी चीजें होती है, इनका जो स्टूल होता है ना, स्टूल से ये आइडेंटिफाई करते हैं, स्टूल नहीं समझते, ह्यूमन एक्सक्रीटा जैसा होता है ना वैसे ये भी तो एक्सक्रीट करते हैं, तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि भाई ये जिंदा है या नहीं है, कोई नया पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, बड़ा अजीब तरीका है ना, बट ऐसे करते हैं। हाँ बहुत सारे तरीके हैं, पर इन केस अगर हम मिस कर जाए तो मिस करने का कोई चांस नहीं है ना। वो एक मूवी थी ना माधुरी दीक्षित की और कौन था वो, अनिल कपूर की है ना, वो टाइगर के साथ भी, गोलमाल 2 थी क्या, अच्छा हाँ उसमें चलता है टाइगर वाला किस्सा, बता दे, ठीक है। अब देखो माधव नेशनल पार्क के बारे में कुछ चीजें देख लो, कहाँ पे पड़ता है वो देख लिया हमने, शिवपुरी में, कौन कौन से जानवर और पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं बताएगा कोई, पहले तो ये बताओ कि कौन से आपके हिसाब से कौन से फॉरेस्ट पड़ने चाहिए यहाँ, ठीक है दर्श, हाँ कोई फोन में देख रहा है क्या, कल मैंने बताया था शायद रजत आप क्लास में नहीं थे, क्या बताया था मैंने, क्या बोला था मैंने, नहीं तो एग्जैक्टली, ठीक है चलो, 1959 में बना था ये, ठीक है। और देखो क्योंकि मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ये प्लेट्यू वाला एरिया पड़ेगा, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी क्या ज्यादा ही गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फॉरेस्ट होंगे वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे, कौन से वाले वेजिटेशन मिलेगी, ड्राई डेसिडुअस, और आपको रीजन पता है कि किस जगह पे कांटे वाले मिलेंगे, किस जगह पे हाइट थोड़े से लंबे मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, सब पता है आपको, हाँ वही, ठीक है, रीजन पता है आपको। उसके बाद में आ जाओ, ये जो पड़ता है ना, ये पड़ता है काठियावाड़ गिर रीजन जो है ना, जो काठियावाड़ पेनिनसुला है, ठीक है, कौन सा वाला था बताया था ना, यहाँ पे ऐसा गुजरात ऐसे पड़ता है कुछ, ये वाला जो है, ये वाला काठियावाड़ पेनिनसुला है, ठीक है, गुजरात वाला आप देखोगे मैप में तब पता लगेगा। उसके बाद में आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये साखे सागर लेक के पास में पड़ता है, साखे सागर लेक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि साखे सागर लेक अभी बनाई गई है रामसर साइट,
अंडर आजादी का अमृत महोत्सव, रामसर साइट बनाई गई है। चल रही है, पता नहीं उससे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे, उससे कोई बन बट बन भी नहीं सकता है। ठीक है, तो साख्य सागर लेक अभी भारत जोड़ो यात्रा पे क्या मोटिव रहा उसका? पर पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस भी तो चाहिए होंगे ना भाई, ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा कोई ऐसे इश्यूज नहीं आते जो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी सरकार है ना, क्वेश्चन उधर से बनता है। आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट है वो। यार एक बात बताओ, अगर मेरी सरकार है तो मैं किसी अपोजिशन वाले को क्यों ही फेमस बनाऊंगी? एग्जाम में हमेशा ये जितने भी एग्जाम होते हैं ना, एक तरह सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं ना, एंट्रेंस ले लो चाहे कंपटीशन वाले ले लो, उसी जिसकी सरकार होती है ना उसी के गुणगान होते हैं उस पेपर में, आपको उसी के और उसके अगेंस्ट में लिखना होता है, अपने व्यूज भी लिखने होते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है ये बहुत बुरा है, आपको वही लिखना होता है कि हाँ भाई सब अच्छा अच्छा है, ठीक है, तभी आप सिलेक्ट होते हो। ऐसा नहीं करना है कि हमारे हम तो भाई हम तो मोदी सरकार की तरफ के या हम तो कांग्रेस ही, वो देखते हैं आप कितने डिप्लोमेटिक हो सकते हो वहां पे, है ना। सिस्टम में कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो कि है ना बहुत ज्यादा रूड हो, ऐसा बंदा नहीं चाहिए, वो चाहिए कि भाई हाँ इसके साथ में भी काम कर ले और इसके साथ में भी काम, ठीक है। चलो वापस आ जाओ इस पे, साख्य सागर लेक के पास में पड़ता है ये, ठीक है, ये जो मैंने बताया ना कौन सा, माधव नेशनल पार्क और साख्य सागर लेक, अभी लास्ट ईयर जो 75 वैकेंट बनाया था ना उसमें से एक है, ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी सिपरी की रिपोर्ट आई, सिपरी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है सिपरी की, सिपरी क्या करता है रिपोर्ट में, क्या लाता है यहाँ पे लिखे हुए, फिफ्थ न्यूज है ना ये, आज तो सारी कुछ इम्पोर्टेंट थी, सिपरी की न्यूज भी ये रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। सिपरी रिपोर्ट, सिपरी क्या बोलता है, कितना आर्मी पे कितना पैसा खर्च करता है कौन सा देश, या फिर उसके पास में कितने डिफेंस, ये तो बेसिकली दूसरी वाली रिपोर्ट में आता है जो हमने पढ़ी थी ना फायर पावर इंडेक्स, उस वाले में ये ज्यादातर बताता है कि आर्मी पे कितना पैसा खर्च कर रहा है कोई एक कंट्री, ठीक है। अभी इंडिया जो है ना, इंडिया की इससे बात की है, रैंक आप ढूंढोगे कि इंडिया की रैंक कौन सी और टॉप पर कौन, ठीक है, रैंक आप ढूंढोगे कि इंडिया की रैंक कौन सी है और टॉप किसने किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बता रही हूँ ना, ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं हम, जरूरी है फोर्थ पर है, जरूरी नहीं है भाई। अब देखो न्यूज क्या है, इंडिया रैंक्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर, इंपोर्ट कर रहे हैं हम ऑफ आर्म्स बिटवीन 2018 से 22, ठीक है, डिस्पाइट ड्रॉप इन ओवरऑल इंपोर्ट एज एक्सपोर्टिंग ऑल्सो बिगिंस, मतलब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर ज्यादातर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया अभी इंपोर्टिंग नेशन बना, और कहां से करते होंगे हम इंपोर्ट, सबसे बड़ा मार्केट बताओ इंपोर्ट है हमारा रशिया, अब रशिया थोड़ा सा कम हो गया, रशिया था जो लास्ट वाला था ना उसमें रशिया था, अभी 2018 से 22 की बात करें ना तो रशिया से शिफ्ट हो गया, हालांकि सिग्निफिकेंट है रशिया का भी, मतलब एक तरह से जो रेशियो है ना वो हम सिग्निफिकेंट मान सकते हैं, पर वो कम हो गया है रशिया का, और हम लेते कहाँ कहाँ, मतलब इंडिया के बाद में है सऊदी, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिपरी का मतलब ये निकालता है कितना पैसा खर्च किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, तो अगर सिर्फ इंपोर्ट की बात करूँ ना मैं तो इंडिया टॉप पर है, इम्पोर्ट्स में जो है इंडिया टॉप पर है, इंडिया के बाद कौन कौन है, तो इंडिया के बाद है सऊदी,
सऊदी है, सऊदी के बाद कतर है, कतर के बाद है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है चाइना। ऑस्ट्रेलिया और फिर है चाइना। इंडिया, सऊदी, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इसमें से सऊदी और कतर कहाँ पड़ते हैं? गल्फ कंट्रीज है, ठीक है। और कतर में अभी कुछ हुआ था फीफा वर्ल्ड का, ठीक है। जीता कौन था? अर्जेंटीना। और कितने साल में एक बार होता है ये? 4 साल में। नेक्स्ट कब होगा? 26 में होगा, 2026 में होगा, ठीक है। कौन करवाने वाला है? यूएस या फिर मैक्सिको, ठीक है, ये करवाने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रांग हो गया आपका करंट अफेयर सब। यूएसए, सोनिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिप्री, अच्छा सिप्री के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर? स्टॉकहोम में है या स्वीडन में है? तो स्वीडन में नहीं है, सोच लो। स्टॉकहोम में है पर स्वीडन में नहीं है। अरे भाई, स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन की, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। ये नॉर्डिक कंट्रीज में पड़ती है ना, ऊपर जो नदन वाला है ना, नदन कंट्रीज है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब पढ़ते हैं। और ये सब कंट्रीज काफी आगे भी है, बताया था ना, कोई भी इंडेक्स होता है तो टॉप कौन सी करती है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये टॉप करते हैं। और इनको चलाने वाली जो है ना फीमेल्स है, कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह मोस्टली फीमेल्स है, देख लो। अब एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला है, ठीक है। 2 महीने हो गए क्या अपने को लास्ट वाला पढ़े? हर मंथ निकल रहा है क्या ये? हाँ, जनवरी वाला पढ़ा था, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और इस बार इंडिया ना 8th पोजीशन पे। स्विस एयर क्वालिटी, यार ये लास्ट में तो पढ़ा था ना अपन ने, हर मंथ निकलता है आई थिंक। स्विस एयर क्वालिटी वाला ना 28 जनवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक का 1 वीक का निकाला था, जिसमें मुंबई टॉप पर था, न्यू दिल्ली नीचे आ गया था। तो स्विस एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है भाई, समझ में आ रहा है ना लोगों को क्या? ऊपर से जा रहा है सब कुछ। हाँ, जो डेली पढ़ते हैं ना उनको सब समझ में आ जाएगा, अब आप लोगों को भी आएगा, आप डेली पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया 8th पोजीशन पे, ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम कोई सिटी की बात नहीं कर रहे, इंडिया 8th पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। मोस्ट पॉल्यूटेड, और लाहौर जो है ना वो सबसे टॉप पर है। कहाँ पड़ता है लाहौर? हाँ, पाकिस्तान। हाँ, लाहौर ने टॉप किया है, बहुत सारे रीजन है होने के। लाहौर है, उसके बाद में लाहौर सबसे टॉप पर है, फिर है भिवंडी है, सॉरी भिवाड़ी है। कहाँ पे पड़ती है? भिवाड़ी, इंडिया में, ठीक है। ये 92 पर है। अगर हमने कल बात की थी ना PM10 पार्टिकुलेट मैटर, परसों की थी, तो इसमें PM2.5 जितना छोटा वो होगा ना मैटर होगा, 2.5, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा पोल्यूट करेगा, है ना। तो PM2.5 लेवल की बात करें, हमने दो लेवल उसकी बात करी थी, कौन कौन से पोल्यूट करते हैं, PM2.5 एंड PM10, ये पोल्यूट करते हैं ना। तो PM2.5 की यहाँ पे बात करें, इसमें लाहौर 97% पे है, इतना इसमें पोल्यूशन है, 97, ठीक है। फिर भिवाड़ी है 92 पे, दिल्ली है, दिल्ली 3rd पर है। इंडिया से बहुत है यार, इंडिया और पाकिस्तान ही दिख रहा है मुझे तो इसमें, और कुछ दिख ही नहीं रहा। टॉप 15 में इंडिया और पाकिस्तान है, और कोई है ही नहीं। सुन सुन लो, मैं बता रही हूँ, लाहौर है फर्स्ट, फिर है भिवाड़ी है, फिर दिल्ली है, फिर है पेशावर है, फिर दरभंगा है, बिहार में पड़ता है, फिर असोपुर है इंडिया में, पटना इंडिया, गाजियाबाद इंडिया, धरूहेरा इंडिया, छपरा इंडिया, छपरी, मुजफ्फरनगर इंडिया, फरीदाबाद, नहीं सॉरी, फैजलाबाद पाकिस्तान, ग्रेटर नोएडा इंडिया, बहादुरगढ़ इंडिया, फरीदाबाद इंडिया। ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान से दुश्मनी निकाली है किसी ने। हाँ, इंडिया सब इस पे आ रहा है, तो पाकिस्तान में वो भी तो कम है ना। नहीं।
इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है जहाँ पे ये सब चीजें शो करती है कि हम लोगों के पास में इंडस्ट्रीज है, हम लोग काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। अब इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे होगा, इंडस्ट्री से होगा, जैसे कि इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल ले लो, टेक्सटाइल ले लो, इन सब चीजों से। तो पाकिस्तान में तो ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी लाहौर टॉप पर है। और लीस्ट पोल्यूटेड के ही लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ध्यान रखना है। लीस्ट पोल्यूटेड है ताड़केश्वर इंडिया, डिगबोई असम, ठीक है। अच्छा डिगबोई क्यों फेमस था ये बता दो, डिगबोई बॉम्बे हाय क्या होता है यहाँ पे, माइनिंग किस चीज की, माइनिंग नहीं कुछ अलग बोलेंगे। डिगबोई असम का नाम सुना है, और बॉम्बे हाय क्या है ये, हाँ तेल के लिए फेमस है ये, ऑयल, क्रूड ऑयल मिलता था। डिगबोई असम सबसे ज्यादा पहले जो है ना अंग्रेजों के टाइम से मिल रहा है ये डिगबोई में, अब काफी कम हो गया, मिल अब तो काफी कम गया, जीरो ही हो गया, ठीक है। जैसे केजीएफ वाली बात की ना, अंग्रेजों ने खूब सोना निकाला उसमें से, अब मिलता ही नहीं, मतलब वहां पे ऐसे मुट्ठी भर के मिट्टी उठाओगे ना तो उसमें आपको सोना मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा था, अब नहीं है, लूट के ले गए अंग्रेज सारा। डिगबोई असम बॉम्बे हाय, अभी जो चल रहा है ना ज्यादातर क्रूड निकलता है बॉम्बे हाई से, पर वो इतनी पॉपुलेशन को चलाने के लिए काफी नहीं है। अच्छा कल एक मतलब बीजेपी के एक मिनिस्टर है, उन्होंने बोला, मतलब ये है ना कि सेम जेंडर वाले भी आजकल शादी कर रहे हैं, तो अजीब सा ही सिस्टम चल गया है। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि जो शादी है ना वो हमारे हिंदू धर्म में एक तरह से संस्कार है, मतलब संस्कार मतलब कि ये दो अपोजिट, हाँ संस्कृति समझ लो, दो अपोजिट सेक्स के बीच में ही होता है। अब सिमिलर सेक्स वाले इसको है ना करके, शादियां करके आप इसको पॉल्यूट कर रहे हो, मतलब एक तरह से इसको पॉल्यूट नहीं मैनिपुलेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो इससे काफी बहुत चीजें चल रही है, सेम जेंडर वाले आपस में शादियां कर रहे। शादी का मतलब क्या होता है? बहुत सही, शादी शादी एक पवित्र रिश्ता है, मतलब एक शादी अगर हम नॉर्मल सी बात करें ना पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि सही भी है, वो है कि एक तरह से रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने जैसे और वो करने, पर जो सेम जेंडर वाले को कैसे रिप्रोड्यूस करें, आईवीएफ भी करेंगे तो भी अपोजिट हो चाहिए ना। एक बात बताओ, नहीं एक सेकंड, सिर्फ मेल गैमेट से, मेल गैमेट से कैसे बच्चे हो सकते हैं, अपोजिट तो चाहिए ना, तो फिर उनके बच्चे होंगे कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चल। हाँ किसके, उसके हुए नहीं है, हाँ तो करण जौहर उसमें आता है क्या? हाँ अरे तो गे का मतलब ये नहीं होता कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एलजीबीटी क्यों अलग होते हैं पता है, ये अगर कोई गे है या कोई लेस्बियन है दैट डजंट मीन कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस कर सकते, उनके बच्चे भी अपने जैसे नॉर्मली होंगे, ठीक है। हाँ पर वो करेंगे कैसे, कैसे वो करेंगे नहीं ना कैसे यार। एक बात बताओ, शादी एक सेकेंड, दो मेल ने शादी की है, दो मेल ने शादी किया, बताओ कैसे बच्चे होंगे, आईवीएफ कराओगे तो भी कैसे होंगे। हाँ तो डोनर तो चाहिए ना, हाँ हो रहा है ना, नहीं पता क्या अभी चल रहा है ये काफी न्यूज में, केरला में, केरला का एक कपल है, ट्रांस कपल है, उसमें मेल प्रेग्नेंट है फीमेल नहीं। अच्छा अरे तो ट्रांस का मतलब, अरे यार कैसे होंगे, उन्होंने वो फीमेल वाले सिस्टम लगवाए होंगे, ऑर्गन्स वगैरह ट्रांसप्लांट किए होंगे तभी हो पा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अब तुम सोचो कि गे बच्चे पैदा करने लग जाए, कि मतलब प्रेग्नेंट होने लग जाए, वो कैसे पॉसिबल नहीं है ना, पर हाँ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ तो वापस आओ, क्यू का क्या मतलब होता है, अभी नया चला है ना ये एलजीबीटी क्यू वाला,
क्यू का मतलब होता है जो लड़के लड़कों जैसे रहती है, जो लड़के लड़कियों जैसे रहते हैं ना, समझ रहे होता है? हाँ वैसे ही, जैसे कि मान लो कोई लड़की उसको रतन चौहान का नाम सुना है, काफी वो रहती है, वो लड़की है बट वो बिल्कुल लड़की की जैसे रहती है। करनी हाँ करनी करनी कलेक्शन के नाम से, भाई इनको सब पता है, देखो करंट अफेयर्स देखो। तो अभी एससी ने क्या है, एक पेटीशन वो की है, एससी में पेटीशन डाली है, ठीक है, कि भाई सेम सेक्स पे जो है ना आप मैरिज को लेकर के इनका डिस्प्यूट है, क्योंकि एससी ने इसको क्या किया था। हाँ तो ये चल रहा है ना, तो वापस से ये इसको हवा मिली है। अब इसमें क्या आ रहा है, अरे तो सोसाइटी के हिसाब आजकल चल रही है ना बहुत सारी। हाँ ब्लड ब्लड डोनेशन से क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड भी मत चढ़वा दो। लोग हाँ अरे तो मान लो तुम चढ़वा लिए, ये तो बहुत ज्यादा, क्या क्या बोला, लड़की रहते तो मैं चढ़वा लूंगी उससे। वही तो मैंने, इसका जवाब बाद में दिया जाएगा, तुम्हें अभी रिकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। हाँ तो देख लिया क्या है, तो इसके ऊपर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, एल जी बी टी, ठीक है ये पता ही होगा आपको। हाँ क्या, किसने पूछा है, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर और क्यू का, क्यू मैंने बता दिया ना आपको, वही होता है, ठीक है। बस इनमें से रिप्रोड्यूस ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अब इनमें कुछ सिस्टम ही अलग होता है तो पता नहीं, ये नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर कर सकते हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट के बाद तो कर सकते हैं। अरे तो नॉर्मल अगर हो ना तब नहीं कर सकते, ठीक है। यार मुझे बोलने दो, मेरी बात को समझो, नॉर्मल है कोई पैदा हुआ वो बच्चा है वैसा ही, ठीक है, नहीं कर सकता है। अब वो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में तो कर सकता है, समझे, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में कर सकता है, आजकल क्या नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है ये सब होता है, और बायसेक्स का मतलब आपको पता है, ठीक है चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा 5 जज बेंच बैठेगी इस पे, ठीक है। हाँ ये वाले पे, इतने हाँ इम्पोर्टेंट है, वो जरूरत पड़ेगी तो वो भी डाल दे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैम नहीं है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।